हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई है और जीत पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टाइम्स नाम नवभारत से खास बातचीत, उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी लगातार जीत का सिलसिला जारी। राहुल गांधी को जनता बार बार नकारती है, ये भी मोहन यादव ने कहा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि एक कमजोर और पुराने नेतृत्व पर कांग्रेस ने भरोसा किया। कांग्रेस ऐसे बुजुर्गों पर भरोसा करती है जिनकी जनता में कोई स्वीकार्यता नहीं है, ये बड़ी बातें कांग्रेस आलाकमान को लेकर कही है। एक तरफ मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते लगातार जीत का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हवा में नहीं रहती, वो जमीनी हकीकत को लेकर चलती है और खासकर जहां हमारी सरकार 10 साल से रही है, ऐसे में तो हम उस जगह पर जो अभी तक का रिकॉर्ड है भाजपा के, आप बताइए, गुजरात में 7 बार से सत्ता में है, 2014 से लगातार केंद्र में सत्ता में है, 2003 से लगातार मध्यप्रदेश में सत्ता में है। हमारे रिकॉर्ड यही है कि हम सरकार में बनने के बाद जनता के हितों का ध्यान रखते हैं, सभी वर्गों को साथ में लेके चलते हैं और उसके आधार पर जीतते हैं। अब कांग्रेस हवा में रहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में देखे ही नहीं तो ताजगी नहीं है, बुढ़ापन है, वो जिस पर दाव लगा रहा है उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, जो है वो सब आपस में लड़ रहे हैं। उनके बड़े लीडर की हाल ये, जो दिल्ली में वो हरियाणा में थे, हमने देखा। आपने अभी बात कही पीढ़ी परिवर्तन बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है, नेतृत्व परिवर्तन अच्छे से किया है, हमने बहुत तस्वीरें देखी जब टिकट बांटे गए, तो जाहिर है कि इस पीढ़ी परिवर्तन को जनता ने एक्सेप्ट भी किया है। निश्चित रूप से हर बार जीतने का बड़ा कारण वही है, आप बताइए, ये कांग्रेस खड़गे जी को लेकर चल रही है जो 3 बार से फेल हो रहा, राहुल गांधी जी को छोड़ नहीं रही है, तो ये कमजोरी किसकी है, आप बताइए ना, कि ये कमजोरी राहुल गांधी जी की है, ये कमजोरी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने मैदानी लोगों के बजाय जो एक तरह से जनता द्वारा नकारे गए ऐसे लोगों को अगर आगे लेके चलेगी तो उसकी कीमत तो उसको चुकाना पड़ेगी। फिर जनहितैषी फैसलों से जनता की मुसीबतों में उनके साथ खड़े होकर के माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से सरकार चला के दिखाई है, सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों में काम करके दिखाया है और देश के विदेश के सारे मोर्चों पर आज भारत का मान बड़ा, सम्मान बड़ा, जनता सब जानती है, तो स्वाभाविक उसका असर आता है।